वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड अपने पुराने डीजे एडम के लुक में, ओल्ड इज गोल्ड ब्रो। तो आज हम लोग खेलेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड, बट थोड़ा सा ना इसका लुक चेंज करके देखते हैं। ये वाले लुक के साथ मैंने बहुत गेम कर लिया है। अरे ये बाल तो एकदम मेरी तरह है, इसका लुक देखो, कान में बी भी लिखा है, मगर नहीं यार छपरी लग रहा है इसमें कतई। इसका लुक थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ओ भैया इसमें तो पूरा घोड़ा ही लग रहा है, कतई घोड़ा लग रहा है भाई साहब, बंद कर दो इसको। हाँ ये ठीक है गाइस, ये है तब भी बढ़िया लग रही है। ऑलराइट तो गाइस चलिए, काफ़ी टाइम पास हो गया है, सीधे अब निकलते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं सीधे हीरोइक रैंक में सोलो वर्सेस स्क्वाड। लेट्स गो, आज तो बुआ हो ही जाए। आज वैसे अपने पास गाइस डीजे एडम है, तो डेफिनेटली हम लोग भूया करने ही वाले हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। सीधे जा रहा हूँ बेस कैंप में, मानता हूँ थोड़ी लैंडिंग हमारी लेट है, मगर दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था। अरे इसके हेड कहाँ चली गई? ओ नो गाइस, लगता है इसके हेड कहीं पीछे उड़ गए प्लेन से कूदने वक्त। चलो कोई बात नहीं, वैसे ना अभी इसमें रिवाइवल वाला सिस्टम ठीक है, मैं सोलो से स्क्वाड में एक बार रिवाइव हो सकता हूँ। क्यूबिक इवेंट है फ्री फायर एनिवर्सरी, तो भैया एक से बढ़कर एक अपडेट आ रहे। रुको गाइस यहाँ पर तो फाइटिंग शुरू हो गई, अपने को बस फिलहाल एक बाइसन मिली है और ये है एक छोटा वाला लॉन्चर, ये काफ़ी वैसे कमाल की चीज़ है। देखो सामने, मेरे सामने ही दो बंदे तेरी तो, अरे ये लॉन्चर नहीं भाई मेरे को ही फोड़ने में लगा था। ओके 80 का डैमेज गया गाइस, अब शायद इनको पता चल चुका है कि मैं कहाँ पे हूँ। कोई बात नहीं है, डरने वाली यहीं पे मैं स्वागत करने के लिए इनका रुके रहेंगे। ड्रोन फेंका क्या इसने? ऑल राइट कोई बात नहीं भाई, डीजे एडम को आज कोई सी भी शक्तियाँ नहीं रोक सकती हैं, ये तो सिर्फ ड्रोन मारा है। ओ हेडशॉट गाइस, ये हेडशॉट कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को तो काफ़ी ओपी लगा, बस तुक्के में बढ़ गया सही बताऊँ तो, मैंने मारा नहीं था इतना खतरनाक वाला। ओके ये कमाल काफ़ी चीज़ लगती है मुझे, हुक स्पाइडरमैन बनते फिरेंगे पूरे मैप में। फिलहाल गाइस मैंने सिर्फ एक ही बंदा मारा है और अब जाते हैं सामने दूसरे वाले इसके टीममेट को मारने के लिए। आई एम श्योर कि अकेला तो नहीं होगा। ऑलराइट चलो गाइस इसका पीछा करते हैं, इसके बाकी के तीन बंदे क्या हैं उनको भी ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है आज हमारे लिए। कब तक तू भागने वाला है मेरे भाई? गाइस चलो इसकी जैसी मुझे स्क्वाड दिखेगी ना, वापस से तुरंत इन सबकी पेटी बना देनी, किसी को भी रिवाइव का मौका नहीं देना है। वैसे देखो ऊपर एक हुक का मैंने इस्तेमाल करा है बट मुझे एनिमी दिख नहीं रहा। अरे भैया मुझे लगा ही था कि पक्का यहीं कहीं छुपा होगा। फटाफट से हील कर लेता हूँ और एक अपने पास अगर नेड होता ना तो मज़ा आ जाता। वैसे क्योंकि 70 का डैमेज तो पड़ा है भाई को, बहुत नर्वस हो गया। ओहो गाइस अभी मैं नेट कुक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है नीचे कूदेगा और उसके बाद मैं इसको मारने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी सी शायद मुझे एक सेकंड की लेट हो गई है। तुझे लगता है मैं तुझे देख नहीं सकता हूँ? ऐसी जगह जाके छुप रहा ना जहाँ इसको एक अंधा भी देख सकता है। ओके गाइस फिलहाल मुझे ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना क्योंकि सामने एक और इसका टीममेट बचाने के लिए आ गया, लेकिन शायद नेट नहीं चल रहा गाइस। थॉमसन तो बहुत ओपी चल रहा है भाई, एक और हेडशॉट गया गाइस, आज तो लगातार हेडशॉट ही मार रहा हूँ, तीन गोली तीन हेडशॉट। और इसका एक और दोस्त आ गया सामने, हुक का इस्तेमाल करूंगा, आ जा बेटा तेरी तो। ओहो गाइस मैं मर गया, मगर दिक्कत आने की बात नहीं है, अभी मैं तुरंत ऑटो रिवाइव हो जाऊंगा यहाँ से। और जैसा मैंने कहा था गाइस सेम मैच आ गया, कोई नया मैप नहीं लगाया मैंने, सेम मैच है, बस क्यूबिक इवेंट की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो गया हूँ। क्या हुआ, मेरे कोई टीममेट्स नहीं है, मेरे पास क्यूबिक इवेंट है, बट अभी मुझे थोड़ा और सीरियस खेलना पड़ेगा क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार रिवाइव हो सकता हूँ ऑटो रिवाइव। और लाइट तो गाइस वक्त मैं बदला लेने के लिए वापस आ गया हूँ, कहीं और नहीं कूदेंगे भाई, वापस से बेस कैंप में कूदेंगे, देखते हैं इसने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है मेरे क्रेट से। अरे भैया गाइस यहाँ पर तो मेरा स्वागत इन्होंने कर दिया है गोलियां मार के, मगर मुझे लगता है डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सामने ये लोग किसी और फाइट में भी बिजी हैं। वो देखो वो रहा सामने बंदा, क्या मैं इसको यहाँ से हेड मार सकता हूँ? एक मिनट गाइस छिप रहा है। ओ नहीं 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 काफ़ी तेज़ बंदा है गाइस, इसको मालूम ही है क्या कि डीजे एडम इज हियर गाइस? लगता है इसका पीछा करना पड़ेगा, देखते हैं इसकी क्रेट में क्या गया है जिसको हमने मारा था। देखो लॉन्चर इसके बाद, बट मैं स्पाइडरमैन बनना ज़्यादा पसंद करूंगा। ये देखो स्पाइडरमैन का इस्तेमाल करके पहले तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं व्यू का पूरा मज़ा ले सकता हूँ, मगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने उसको राइट साइड भागते हुए देखा था, अभी बताते हैं इसको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। कहाँ गया तू? तेरी पेटी नहीं बना दी ना, तो आज हमारा नाम भी डीजे एडम नहीं, इसने लगता है गाइस हमारा चश्मा नहीं देखा है अभी। ओके तो फिलहाल गाइस आसपास में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, बट ये देखो सामने इसलिए कि मुझे एक न्यू स्क्वाड आई थिंक दिख गई है और इन्होंने मुझे नहीं देखा है, तो एक को तो नॉक बनता है, पूरा खाने की कोशिश करूँगा लेकिन
इजीली वो रिवाइव कर सकता है गाइस, इससे पहले कि उसके और दोस्त उसको रिवाइव कर दे। अब मैं जाके सीधे रश करने वाला हूँ। ओह नो, पीछे से भी पड़ गया, बट कोई बात नहीं, थॉमसन लेके घुस पड़ूंगा भाई, कोई शॉटगन की जरूरत नहीं है हमको। तेरी तो भाई क्या ओपी हेडशॉट लग रहा है गाइस, आज तो सभी को लगता है मैं हेडशॉट से ही मारने वाला हूँ दोस्त आगे इसका। एक और हेडशॉट तो गाइस, आज तो हेडशॉट अनस्टॉपेबल लगातार बैक टू बैक लगने ही वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार आज हमारे पास है गाइस डीजे एडम। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल फटाफट से मैं यहाँ पे लूट कंप्लीट करता हूँ। अरे वाह, एक्समेट है और हम एक्समेट ना चलाए ऐसा कैसा हो सकता है। ओके, यहाँ पे थोड़ी और लूट भी पड़ी हुई है, हेलमेट वेस्ट सब कुछ उठा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि एक स्कोर तो मैंने अभी निपटा ही लिया। यहाँ से नीचे उतर जाते हैं एंड यहाँ पे मुझे लगता नहीं वैसे कोई बचा होगा, एक स्क्वाड मैंने पूरी वाइप कर दी है, बट हाँ वो भी मेरी तरह ना दोबारा से नीचे रिवाइव हो सकती है क्यूब का इस्तेमाल करके। बट टेंशन वाली आज कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास है भाई डीजे एडम, दो बार उतरेंगे ना दो बार मारेंगे इन लोगों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर चलकर मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर AWM मिल जाए तो वो यूज़ करेंगे, वरना तो एक्समेट की आप पावर तो जानते ही है, उड़न खटोला हेडशॉट ही मारते हैं हम तो, उसके नीचे बात नहीं होती है। पहले ड्रॉप खुल गया, लेकिन इसमें वेस्ट के अलावा तो वेस्ट भी नहीं, ड्रोन और कॉइंस ही थे, हमारे कुछ काम का नहीं गाइस। थोड़ा सा और वेट करता हूँ, आई होप कि बढ़िया सा आइटम निकल जाए, इससे पहले कि कोई एनिमी आ जाए, क्योंकि इस वाले ड्रॉप का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लो भैया कुछ भी नहीं आया यार, इतना हमने रिस्क लिया, इतना वेट किया और आखिर में कुछ भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, लगता है ना आज एक्समेट से ही हमको खेलना पड़ेगा, लेकिन पीछे से कोई आ गया। तेरी तो उड़न खटोला हेडशॉट गाइस, इधर तो बस ऐसे ही हेडशॉट चलता है एक्समेट से। ये एक्समेट का ना मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, ये वाली ट्रिक बस एक VSS में भी और काम करती है और किसी भी चीज़ में कोई भी गन पे काम नहीं करती है, बट एक्समेट है तो भाई जलवा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, लगता है अभी भी कूदा था यार ये पैराशूट से। बट अगर ये कूदा है तो इसका मतलब इसके स्क्वाड भी आएगी मेरे को रिवेंज लेने के लिए, मुझे पता है, क्योंकि मैंने खड़े खड़े यहाँ पे अकेले 7 लोगों को हेडशॉट मारा है और ये लोग मेरे को रिवेंज करने ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिलहाल मैं एरेसन की का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर अगर कुछ लेवल 4 के वैसे मिल गया, बहुत बढ़िया। कॉइंस वगैरह की तो हमको बस ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। सामने में से एक और ड्रॉप है, लेकिन इसमें भी गाइस AWM नहीं आई यार। चलो कोई बात नहीं, अरे ये देखो यहाँ पे इसने लॉन्चर लगा रखा है, लॉन्च पैड। एक मिनट, अभी पता चलेगा गाइस कि ये लॉन्च पैड किसने लगाया। ओके, जिसको अभी हमने उड़न खटोला वाला हेडशॉट मारा था ना पीछे से, आई थिंक वो लॉन्च पैड लगा के यहाँ से भाग रहा था, लेकिन जैसे उसने मेरे को देखा उसने कहा भाई इस डीजे एडम को तो मारना पड़ेगा, लेकिन उसने शायद हमारे चश्मे की पावर पहचानी नहीं। देखो आसमान से खजूर में अटकने के लिए कूदा बंदा और ये भैया हेडशॉट। गाइस ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगती है एक्समेट में, बहुत ऊपी चलती है। फिलहाल मैं एक और को मारने वाला हूँ, ये ग्लू वॉल के पीछे क्यों छुपा हुआ है भाई, एक बार अपना हेड दिखा, फिर इसको बताता हूँ कि भाई डीजे एडम क्या चीज़ है। ये आया बाहर और रेड नंबर वाला हेडशॉट। चलो भैया दोबारा से फटाफट से स्पाइडरमैन बनने के वक्त आ गया, लेकिन यार ये हुक वाली मशीन काम भी नहीं कर रही है। चलो कोई बात नहीं, पैदल ही चलता हूँ फटाफट, इससे पहले किसका दोस्त को रिवाइव करने के आ जाए। ये हो गया खत्म भैया, देखो एक और की लाश पड़ी हुई है, चलो उसको भी हम डब्बा बना देते हैं, चल भाई निकल ले। पहले फुर्सत में शायद तेरे दोस्तों को दोबारा से रिवाइव करेंगे, पर मैं तुमको बता दूँ फ़ायदा आज तो कुछ होना ही नहीं, क्योंकि हम आ गए हैं लॉबी में और भूया करके ही जाएंगे। कई जगह उसके पास एक लॉन्च पैड है, साइलेंसर, अरे वाह अब आ गया ना गाइस असली मज़ा। अब तो मुझे कुछ पता भी नहीं, ढूंढ भी नहीं सकता है। एक UMP मैंने से ले लिया है, क्योंकि थॉमसन का यार ज़्यादा भरोसा नहीं है, अगर सोचो पूरी स्क्वाड मेरे पर रश कर दिया फिर तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि भैया आज डीजे आइटम के साथ हम लोग भूया वेस्ट कर दें। भाई अभी थोड़ा सा ना पीछे चलकर चेक लेते हैं अगर कोई हमको मिल जाए तो। यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ शॉर्टकट लेने के लिए, स्पाइडरमैन की पावर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से तो कोई भी नहीं दिख रहा गाइस फिलहाल। ओ नो, यहाँ पर तो जोन भी आ गया, अब तो मुझे नीचे भागना पड़ेगा स्पाइडरमैन की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए। ओ बच गया, मेरे को लग रहा था ना गाइस वहाँ पे हमारा माथा टकरा गया था ऊपर एटम का, मेरे को लग रहा था सारी लाइफ थी उसमें खा जाएगी, लेकिन नहीं भैया सामने गाइस कार मिल गई है। जरा एक मिनट, एक और एनिमी आ रहा है जोन से भाग के, तो अरे वाह गाइस ये तो ऑलरेडी बहुत लो था, शायद पैराशूट से कूदा होगा और आधी पावर इसकी जोन ने ही खा दी। अब निकलते हैं गाइस अपनी सुपर गोल्डन बुगाटी कार को लेके, एक मेडिकेट मार लेता हूँ भाई, अपने को डैमेज बहुत पड़ गया है। अब वैसे सर्किल देखो बहुत छोटा बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सीरियस गेम प्ले और कर लेते हैं, क्योंकि बंदे भाई दोबारा से अलाइव होते जा रहे हैं, अभी 14 बंदे थे दोबारा 16 हो गए थे। चलो भाई एक मस्त यहाँ पे घर ढूंढता, क्योंकि यहाँ पे फाइट भी हो रही है,
सामने ग्लू बॉल लगी है तो ये स्पाइडरमैन बना, लेकिन भाई नहीं 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 ओपन में शायद मेरे को अभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दोबारा से कार में बैठ जाता हूँ, एक घर में अच्छे से पोजीशन बनाएंगे। सामने इसको आ रहा है क्या भैया, रोड में बिना देखे आ रहा है भाई, सीधे गाड़ी चढ़ा दी दोस्तों उसको ऊपर। अब यहाँ से हम स्पाइडरमैन बन जाएंगे, ये लो भैया पहुँच गए सीधे ऊपर। गाइस ना काला हरी में ना ये हुक बहुत काम की चीज़ होती है, अगर आप लोग यूज़ नहीं करते तो इसको यूज़ करके देखना। अरे भैया ओम्पो, अभी गाइस मुझे यहाँ पे किसी ने रेल बना दी थी पीछे से कॉमेंट्री के चक्कर में, अभी थोड़ा ध्यान रखो गाइस, देखो मैं सुपर गोल्डन वहाँ पे है, बट पीछे गोली किसने मारी, एक बार अपना हेड दिखाए ना तो मैं उसको बताता हूँ उरन खटोला हेडशॉट किसे कहते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा, बट मुझे जहाँ तक डाउट हो रहा है कि वो सामने टावर में ही होगा। ये देखो क्योंकि घर से तो मुझे कोई मान नहीं रहा है, देखो दोबारा से चढ़ा कोई टावर पे स्पाइडरमैन बनके, बट नहीं 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 गाइस अभी उसको छेड़ते नहीं है क्योंकि मुझे आसपास से किसी और ने गोली मारी थी, क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले जोन की तरफ जाना चाहिए। अरे ले भैया अब तो स्पाइडरमैन वाली पावर भी मेरी काम नहीं कर रही भाई, मुझे लगता है ना इस टावर वाले को मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मिलने वो शायद दिक्कत करने वाला है। चलो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ से क्या स्पाइडरमैन पावर हम यूज़ कर सकते हैं। अरे वाह भाई, ये तो बड़ा सस्ता वाला स्पाइडरमैन था, गाइस पीछे से कोई गाड़ी लेके भी निकला है, आई थिंक वो भी कैंप कर रहा था। अभी मैं यहाँ से पोजीशन बनाता हूँ और पहले टावर वालों को मारने की कोशिश करते हैं यार गाइस, क्योंकि वो ना हमको लास्ट सीन में बहुत परेशान करने वाला हाइट से। यहाँ से अभी निकलते क्योंकि ये जोन के बाहर है, और देखो सामने ना यहाँ पे फाइट चल रही है, क्या अपने पास ग्रेनेड्स है? ओके गाइस ये थोड़ी स्पेल्स है, मैं ये फेंक लेता हूँ जिससे होना तो कुछ नहीं है, और ये यहाँ पे अपने पास ग्रेनेड्स, लेकिन जोन भी आ रहा है यार पीछे से। चलो हम आगे की तरफ भागते हैं, बस अपना हेड को बचा के रखना यार, इतना प्यारा सा हेड हमारा एडम का, अगर इसको कोई फोड़ देगा वो टावर में बैठ के तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा एंडिंग जोन में। देखो इनके फाइट हो रही है, इनको होने दो, जैसे ही लोग बाहर आएंगे ना गाइस इनका वेलकम हम लोग करेंगे। भाई किसी और ने डाउन कर दिया शायद इसको, ओके तेरी तो हेडशॉट भाई, आज तो लगातार हेडशॉट बढ़ रहा है मेरे, एक लाइक भी मिल गया गाइस फ्री का। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप भी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अमेजिंग वीडियोस तो हम लाते रहते हैं, एक बुइया तो आज बनती है गाइस। फिलहाल ना ये टावर वाले से मुझे बहुत बच के रहना पड़ेगा, देखो छह लोग मुझे स्पेक्टेट भी कर रहे हैं, शायद ये लोग भी चाहते हैं कि मैं बुइया निकालूँ और उस टावर वाले को मारूँ, क्योंकि सब लोग ना उस टावर वाले से बहुत परेशान है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या यहाँ से मैं उसका हेड दिख सकता है गाइस? ओके गाइस यहाँ से उसका हेड तो दिख रहा है, बस उसको पता ना चले भाई, हिल रहा है यार ये तो ओ यार गाइस उसको हेड मैंने मार दिया था लेकिन वो वहाँ से निकल गया, बहुत तेज़ बंदा है। तो एक काम करते हैं अभी हम दोबारा से अंदर चलते हैं, क्योंकि जोन भी आने वाला है, हमको बस जोन के अंदर रहना है। अभी फिलहाल पूरे तीन बंदे बचे हैं जिसमें से कि एक अभी टावर से थोड़ी दादागिरी दिखा रहा है, लगता है इसको अभी डीजे एडम की पावर दिखानी पड़ेगी दोस्तों, बहुत ही हल्के में ले रहा है हमको ये। चलो अभी चलते हैं गाइस यहाँ से ऊपर को, कहीं पे फाइट भी हो रही है लेकिन कहाँ पे? ओके गाइस कोई गाड़ी लेके भी पीछे से आ रहा है, मुझे बस इस वक्त हर जगह से चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है उसने गाइस गाड़ी तो रोक दी है, अब अगर ये इस घर के अंदर आता है तो इसकी तो आज मैं फिल्म बनाने वाला हूँ दोस्तों, आप बस वेट करो। यहाँ से मुझे आवाज़ आई, ओके गाइस जैसे मैं बाहर निकला वैसे एक बंदा अंदर भी चले गया है, लेकिन अगर ये बाहर आता है तो बहुत बड़ी गलती करने वाला है। बस मुझे इस वक्त ध्यान रखना उस टावर वाले का, वो उतर के गया कहाँ का, ये टावर वाला बंदा तो नहीं था? एक मिनट गाइस रुको, तो मुझे थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि तीन बंदे अलाइव है और ये गोलियाँ कहाँ चल रही है, इस घर के अंदर फाइट हो रही है क्या? अरे भैया किसी ने स्पेल तो कर दिया है। तो गाइस मुझे अब जाके रश ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये देखो ये रहा बंदा, अभी भी कहाँ पे फाइट तो हो रही है लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस कि आखिर फाइट कौन से घर पे हो रही है। अब तो सिर्फ दो बंदे बचे हुए हैं, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ लैंड में लगा लेता हूँ और सीधे निकलता है ये फाइट वाली की तरफ। यहाँ से मैंने भागते हुए देखा था, देखो ये है बंदा, गया भाई तू तो, तेरा गेम ओवर भैया, आखिरी बंदा बचा है गाइस। ओ मेरा उरन खटोला हेडशॉट थोड़े से मैं मिस हो गया गाइस, मेरी बस 85 एचपी बची हुई थी, फटाफट से हीलिंग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि भाई हमको बुइया मिलती है कि नहीं। अपने पास क्या ग्रेनेड्स हैं? नहीं गाइस ग्रेनेड तो मैंने सारे आई थिंक यूज़ कर लिए थे, फालतू के लॉन्च पैड का क्या करूँगा मैं, इनको यहीं पर लगा देते हैं। सामने गाइस बंदा है, 1v1 होने वाला है, लेट्स सी देखते हैं कि कौन आज भुया ले जाता है। ये फालतू के ड्रोन वगैरह एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके रश कर रहा है बंदा भाई, गलती कर रहा है तो रश करके, गलती कर रहा है तो वुकोंग है मेरे पास भाई, इस वक्त ही इतना ज़्यादा डर गया होगा ना वुकोंग देख के, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। ये देखो भाग गया उधर, कब तक भागेगा, कब तक भागेगा तू? हाँ ये आया बंदा तेरी तो, लैंडमाइन से डैमेज पड़ गया मेरे को,
मेरी बस 4 HP रह गई थी दोस्तों लास्ट के टाइम पे, अगर आपने नोट किया हो तो। जो मैंने लैंडमाइन उसके लिए बचाई थी वो मेरे ऊपर ही फट गई थी, लेकिन हम फिर भी हमने जैसे तैसे मैनेज करके भुया करी ली गाइस। आई होप आपने भी आज का गेम प्ले इन्जॉय करा होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।